आज हम लोग बाजार कलकत्ता, बाजार कलकत्ता में एक दुकान है जो संबलपुर के सबसे मानी जानी और पुरानी दुकान मानी जाती है। आज यहाँ देखते हैं उनके कुछ सेल्समैन हैं, आज वो स्ट्राइक में बैठे हैं, शहर कोई मास्क लगा रखा है, आइए मिलेंगे वो क्या कहते हैं, आप लोग सुनाते हैं। ठीक है, तो आपका नाटक कृपा सिंधु माझी। तो आप लोग आइए, क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं कलकत्ता बाजार? इसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि हम लोग का जो अभी बहुत साल हो गया, जैसे कि 10-12 साल हो गया हम लोग काम कर रहे हैं, तो अभी कंपनी हम लोग को फोर्स करके यहाँ से निकाल दे रहा है। तो हम अभी क्या करेंगे, बाहर में जाएंगे तो काम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम स्ट्राइक किए हैं कि हम लोग को यहाँ पर काम में रखिए और कुछ मतलब कहीं पर भी नहीं निकाला जाए। हम लोग के बिल सबका खराब है, पीएफ का जो पैसा नहीं। आपका नाम बताओ ना भैया। मेरा नाम विकास नायक है। विकास नायक, हाँ। हम लोग के बिल सबका खराब है, ठीक नहीं बेटा, किसी का देना, किसी जो काम छोड़ दिया अगली उसका पे बिल नहीं कर रहा है पैसा, ये लोग गलत कर दिया सबका, मतलब पैसा भी नहीं दे रहे के बिल नहीं दे रहे। और क्या चीज करें, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हरेंद्र भुया। भैया हरेंद्र भुया। तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ अभी? हम लोग का 12 साल तक हम लोग काम कर रहे थे, पहले इतना मतलब टचर नहीं हो रहा है, ये 3 महीना हो गया बहुत टचर हो रहा है, और स्टाफ को कुछ भी मतलब स्टोर में जब भी माल मतलब शॉर्टेज हो रहा है तो मैनेजर बोल रहा है कि तुम लोग शॉर्टेज कैसे कर रहे हो, और दूसरा में बोल रहा है कि तुम लोग का रीजन भी बता नहीं रहे और उधर उधर ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर कर गया, सैलरी भी ठीक से नहीं मिल रहा है हम लोग को, 50% सैलरी मिल रहा है। तो अभी आप लोग को 50% सैलरी दे रहा है? 50% सैलरी मिल रही है, लोकल लड़का बाहर कैसे जाएंगे, बाहर में कैसे चलेंगे? तो क्या ना, अभी कोरोना वायरस के टाइम आप लोग बाहर जाने का कोई मतलब नहीं, आप लोग यही रहना चाहते हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम छोड़ो। आपका नाम? मेरा तहसीलदार को मेरा पीएफ ठीक नहीं कर रहा है, उधर उधर सब ट्रांसफर कर रहा है। क्या पीएफ नहीं दे रहा है? हाँ, पीएफ ठीक नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ ट्रांसफर कर रहा है। अच्छा, पीएफ बोले क्या होता है? बताइए, ईपीएफ तो आपको बोलो है। हाँ, अगर हम लोग को करेक्शन नहीं करेंगे, अगर हम लोग काम छोड़ देंगे तो हम लोग जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा हम लोग कैसे निकालेंगे आप बताइए? जो आप लोग ईपीएफ का जो पैसा जमा होता है, जितना बार हम लोग को जितना बार डॉक्यूमेंट मांगा जो किया था, तो कितना साल का ईपीएफ है आपका? 12 साल का ईपीएफ फंसा हुआ है। तो आप चाहते हैं हमारा पैसा भी मिलना चाहिए आपको? पैसा भी मिलना चाहिए ना। आपको सैलरी दे रहा है कि नहीं? इस सिचुएशन में सैलरी तो दे रहे हैं 50%। तो सैलरी कितना दे रहे हैं? 5,000। नहीं नहीं, आपका पहला कितना था? 10,000 था, 5,000 दे रहे आपको। अभी हम लोगों ने देखा इनको सैलरी भी पूरी नहीं मिली है, 50% सैलरी कर दिया है दुकानदार ने, और इनका जो ईपीएफ जो जमा होता था राहुल गला में वो 12 साल हो गया, अभी तक इनको कोई हिसाब किताब ही नहीं मिला है। आपकी आवाज संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।